ये एक बहुत ही अजीब गांव है जहां कुछ भी लाल दिखाई नहीं देता, वो लाल फूल भी नहीं आने देते और जब भी वो लाल फूल देखते हैं तो वो उसे जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। गांव जंगल के बीच घिरा हुआ है और गांव वालों का मानना है कि जंगल में इंसान को खाने वाले राक्षस रहते हैं। राक्षस लाल रंग को पसंद करते हैं और पीले रंग से डरते हैं। कई साल पहले गांव वालों के पूर्वजों और राक्षसों के बीच एक सौदा हुआ था कि जब तक गांव के लोग जंगल में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक राक्षस उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन गांव वालों को पता नहीं है कि सौदा टूट चुका है। रात में निगरानी पर तैनात चौकीदार कुछ अजीब सुनता है। वह सोचता है कि उसका साथी शिफ्ट बदलने के लिए आ रहा है, लेकिन इसके बजाय वो एक लाल राक्षस को गांव में आते हुए देखता है। चौकीदार घबरा जाता है, वो जल्दी से इमरजेंसी बेल बजाता है और गांव वाले बेल की आवाज सुनकर अपने घरों की ओर भागने लगते हैं। बक्खल एक अच्छा आदमी है, वो बच्चों और महिलाओं को दरवाजे और खिड़कियों को बंद करने में मदद करता है, लेकिन इससे वो खुद खतरे में पड़ जाता है। दूसरी तरफ बक्खल की गर्लफ्रेंड जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर खड़ी हो जाती है, जहां वो बक्खल के घर आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन उसे कहां पता था कि उसकी तरफ एक राक्षस आ रहा है। इस कहानी की शुरुआत 19वीं शताब्दी से होती है, जहां हम एक गांव को देखते हैं जिसका नाम लालपुर है। इस गांव के लोग हंसी खुशी से रहते हैं, लेकिन इस गांव की सीमा से कोई बाहर नहीं जा सकता क्योंकि इस गांव के आसपास काफी बड़ी बड़ी दीवारें हैं। साथ ही साथ यहां पर एक वॉच टावर है जहां हमेशा कोई न कोई पहरा देता रहता है। अब इस गांव के चारों तरफ जंगल होने के कारण इन गांव वालों का किसी भी गांव से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता, जिस वजह से इस गांव के लोग कभी भी इस गांव से बाहर नहीं जा सकते। यहां पर किसी भी देश की करेंसी नहीं चलती और यहां के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अगर किसी को इस गांव में सच्चा प्यार हो जाता है तो उनकी शादी कर दी जाती है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं उन्हें एल्डर्स कहा जाता है। उनमें से एक एल्डर के बेटे की किसी उठपटांग बीमारी की वजह से टिकट कट जाती है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है, इसीलिए किसी भी बीमारी को रफा दफा करना एक चुनौती है। आगे हम देखते हैं कि कुछ लोग झुंड बनाकर खाने का मजा ले रहे थे, तभी जंगल से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है जिसे सुनकर सभी की टेंशन टाइट हो जाती है। तभी हम एक हंसते खेलते आदमी को देखते हैं जिसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी, जिसका नाम जालिम है। अब उसकी इन हरकतों पर गांव वालों को जरा भी गुस्सा नहीं आता क्योंकि वहां के लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हर सुख दुख को मिलके बांटते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गांव वालों को किसी जानवर की बॉडी मिलती है, जिसके बाद इस गांव के बड़े बूढ़े एक मीटिंग करते हैं जिसमें वो ये सोच विचार करते हैं कि आखिर उस जानवर को किसने मारा होगा। तभी गांव का एक जवान लड़का वहां आ पहुंचता है और सभी लोगों को बताता है कि मैं इस गांव से बाहर जाना चाहता हूं ताकि मैं इस गांव के लिए कुछ कर सकूं। अगर हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज होती तो हम किसी भी बीमारी से लड़ पाते, पर उस आदमी की बात पर वो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आसपास के जंगलों में जो बेकार राक्षस थे वो पहले गांव को पेलने का काम करते थे, जिससे परेशान होकर गांव वालों ने उनसे एक सौदा किया था जिसके अनुसार इस गांव से कोई भी कभी भी बाहर नहीं जा सकता और गांव वाले इस समझौते को तोड़ना नहीं चाहते थे। और अगर उन लोगों ने ऐसा किया तो वो बेकार राक्षस गांव में आकर गांव वालों को पेलना शुरू कर देंगे। अब जिन गांव वालों ने राक्षसों से समझौता किया था वो बड़े हो चुके हैं और जवान लौंडों को इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है और वो हर रोज जंगल में कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनते हैं, जिससे उन्हें एहसास हो जाता है कि जंगल में कुछ तो है। लेकिन बक्खल को इन सब से फर्क नहीं पड़ता और वो जंगल में जाकर मंगल करना चाहता है। इसी गांव में एक खूबसूरत लड़की रहती है जिसका नाम सिंगल है। सिंगल देख नहीं सकती क्योंकि वो अंधी है और उसका दिमाग बहुत तेज है। आगे वो बक्खल के पास जाती है और बक्खल से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तभी हम बक्खल के पास जालिम नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। आगे बक्खल जालिम के हाथ में वही लाल रंग का फूल देखता है जो जंगल में पाया जाता है। इस गांव में लाल रंग की किसी भी चीज को लाना सख्त मना था। अगर गांव वालों को कहीं पर भी लाल रंग दिखाई देता है तो उसका नाम और निशान तक खत्म कर देते हैं। अब जालिम के पास लाल रंग के फ्रूट को देखकर बक्खल समझ जाता है कि जालिम जंगल गया होगा, पर आखिर राक्षस ने उसे छोड़ कैसे दिया। जिसके बाद वो गांव वालों के पास जाता है और बताता है कि जालिम के पास लाल रंग का फ्रूट था जो सिर्फ जंगली इलाकों में पाया जाता है, जिससे ये साफ होता है कि वो जंगल में गया था और इसके भोलेपन को देख के राक्षसों ने उस पर दया दिखाई और मैं चाहता हूँ कि मुझे दूसरे गांव जाने की अनुमति मिले। लेकिन गांव वाले उसे गांव की सीमा पार करने से साफ मना कर देते हैं, जिसके बाद बक्खल के दिमाग में एक खुफिया आइडिया आता है और वो गांव की सीमा को पार करने का प्लान बनाता है ताकि वो मेडिकल फैसिलिटीज को गांव में ला सके। इसलिए वो गांव वालों की बात न मानते हुए अगले दिन गांव से बाहर चला जाता है। तभी उसके सामने उसे एक साया दिखाई देता है जो जंगल में रहने वाले राक्षस का साया था। तभी वो गांव में वापस आ जाता है। उसी रात जो चौकीदार वॉच टावर पर पहरा दे रहा था उसे उस वॉच टावर के नीचे एक साया दिखाई देता है जो कि राक्षसों का साया था, जिसे देखकर उसकी फट जाती है, जिसके बाद वो इमरजेंसी अलार्म बजाता है। बेल की आवाज सुनकर गांव में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। उस गांव के हर घर के नीचे एक बेसमेंट है और जब गांव वालों को कोई खतरा महसूस होता है तो वो सभी उस बेसमेंट के नीचे छिप जाते हैं। लेकिन सिंगल अभी तक बाहर थी क्योंकि उसे बक्खल का इंतजार था। तभी बक्खल आता है और सिंगल के साथ बेसमेंट में जाता है और पूरी रात उन्हें बाहर से भयानक आवाजें सुनाई देती है। और अगली सुबह जब गांव वाले बेसमेंट से बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हर घर के दरवाजे
दरवाजे के ऊपर एक लाल रंग का निशान है, जिससे गाँव वालों को यह समझ आ जाता है कि राक्षसों से किया हुआ सौदा अब टूट चुका है। और लाल रंग का ये निशान बताता है कि राक्षसों ने गाँव वालों को चेतावनी दी है, जिसके बाद सभी गाँव वाले इकट्ठा होते हैं और सोचते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी बक्खल बताता है कि वो गाँव की सीमा से बाहर गया था और वहाँ उसने किसी राक्षस के साये को देखा, जिस कारण वो राक्षस बीती रात उस गाँव में आए। सभी जानते हैं कि बक्खल का इरादा गाँव वालों की मदद करना है, इसलिए गाँव वाले उसे चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगल की बहन की शादी थी, जिसमें सभी गाँव वाले खुशियां मनाते हैं। शादी के बाद जब सभी लोग अपने घर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी ने उनके घर के बाहर मरे हुए जानवर को लटका दिया था। ये सब देख के लोग काफी डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि राक्षस फिर से उनके गांव में वापस आ सकते हैं। जिसके बाद बक्खल सिंगल के घर जाता है और वो दोनों साथ साथ बैठते हैं और अपनी शादी का सपना देखते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जालिम, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो सिंगल और बक्खल की नजदीकियां बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि वो बचपन से ही सिंगल को लाइक करता था। जिसके बाद वो किसी सरफिरे मजनू की तरह बक्खल पर रामप्यारी से हमला कर देता है, जिससे बक्खल की हालत खराब होने लगती है और जालिम को किसी रूम में बंद कर दिया जाता है। अब गांव में मेडिकल फैसिलिटीज न होने की वजह से बक्खल की हालत में सुधार नहीं हो पाता। सिंगल को जब ये पता चलता है कि बक्खल को जालिम ने चाकू मारा था, तो वो उसे एक जोर का घुसण पिलाती है और बक्खल की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी होती है। तभी उसके पिता उसे बताते हैं कि जब तुम्हारी आंखों की लाइट चली गई थी तब मैं भी कुछ नहीं कर पाया, पर अब मुझे लगता है कि मुझे जंगल जाना चाहिए। पर उसकी पत्नी उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि हमने राक्षसों से सौदा किया था और हम उस सौदे को नहीं तोड़ सकते, और अब तक जिसे कोई नहीं कर पाया उसे सिंगल करने का फैसला करती है, यानी कि दूसरे गांव से मेडिकल फैसिलिटीज को उस गांव में लाना चाहती है, जिसमें उसके पिता उसका साथ देने का फैसला करते हैं। इसके पहले कि वो यहां से निकलते, सिंगल के पिता उसे एक खुफिया राज बताते हैं, जिसका पता आज तक किसी को नहीं था। जिसके बाद सिंगल दो लड़कों के साथ अपने मिशन पर निकलती है। अब कुछ दूर तक चलने पर उन लड़कों की फटकर चार हो जाती है, पर सिंगल को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पिता ने उसे उस खुफिया राज के बारे में बताते हुए कहा था कि यहां पर कोई भी राक्षस नहीं है। दरअसल गांव में जो भी राक्षस दिखाई देते हैं वो उन्हीं के बीच के लोग होते हैं, जो राक्षस की तरह मेकअप करके जंगलों में जाते हैं ताकि कोई भी इस गांव के बाहर न जा सके। अब क्योंकि सिंगल को सच्चाई का पता है तो वो नहीं डरती। आगे जंगल से राक्षसों की आवाज सुनकर वो दोनों लड़के काफी डर जाते हैं और वापस गांव भाग जाते हैं, पर सिंगल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पिता ने उससे कहा था कि जंगल में जो भी आवाजें आती है वो उन्हीं बड़े लोगों द्वारा पेड़ों पर लगाए गए डिवाइस से आती है, जो हवा के संपर्क में आने से वर्क करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गांव के सभी बड़े बूढ़े सिंगल के पिता से नाराज थे, क्योंकि उसने अपनी बेटी को सब सच बता दिया था और वो इस बात से डर रहे थे कि कहीं पूरी दुनिया को इसका पता न चल जाए। सिंगल का पिता कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। आगे हम सिंगल को देखते हैं जो जंगल में आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक उसका पैर फिसलता है और वो एक गड्ढे में जाकर गिरती है। बहुत मेहनत के बाद वो किसी तरह उस गड्ढे से बाहर निकलती है, तभी उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। हालांकि उसके पिता ने बताया था कि जंगल में कोई भी राक्षस नहीं है, पर ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले उस गांव के लोगों ने राक्षसों वाली किताबें पढ़ी थी, जिसके अनुसार राक्षस होते हैं और वो इंसानों की नकल करने में माहिर थे। तभी सिंगल एक लकड़ी तोड़ती है और उसे भी सामने से लकड़ी टूटने की आवाज आती है। वो जो भी करती है सामने से भी कुछ ऐसा ही हो जाता है, जिससे उसे ऐसा लगने लगता है कि उसके सामने राक्षस है और वो वहां से भागने लगती है। तभी हम एक राक्षस को देखते हैं जो सिंगल के पीछे नहा धो के पड़ा था, जिसके बाद राक्षस उसका पीछा करने लगता है और जिस गड्ढे में वो गिरी थी उसी गड्ढे में वो राक्षस भी गिर जाता है। आगे सभी गांव वाले उस सीक्रेट रूम में जाते हैं जहां जालिम को रखा गया था, पर वहां जालिम नहीं था। तभी हम एक खुफिया रास्ते को देखते हैं और कमरे में जानवरों के कुछ अवशेष थे जिसे जालिम ने मारा था। जैसा कि हमें पता है कि जालिम की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वो बहुत ही चालाक है और उसे वो राक्षस वाली ड्रेस मिल गई थी जिसे गाँव के लोग पहनकर जंगल में घुमा करते थे। यानी कि उसके पास भी एक ऐसा ड्रेस था जिसे पहनकर वो छपरियों वाली हरकत करता था, जिससे हमें यह पता चलता है कि उसे गाँव वालों के राज के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो कभी भी जंगल चला जाता था। जिस तरह गांव के बड़े बूढ़े गांव वालों के दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, ठीक उसी तरह जालिम भी उन लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर जब वो सिंगल के प्यार में पड़ चुका था, तभी उसे पता चलता है कि बक्खल ने सिंगल को पटा लिया, जिसके बाद उसका माथा ठनका और उसने बक्खल का गेम बजाने की कोशिश की। आगे हम देखते हैं कि जंगल में जो राक्षस सिंगल के पीछे पड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि जालिम ही था, और गड्ढे में गिरने की वजह से उसका टिकट कट चुका था। जिसके बाद सिंगल लकड़ी की मदद से रास्ता खोजते हुए आगे बढ़ती है और एक दीवार को पार करके गांव के बाहर आ जाती है। तभी हम उस गांव के बाहर एक पुलिसकर्मी को देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि ये 19वीं सदी नहीं बल्कि 21वीं सदी है, यानी कि ये कलयुग है। जहां वो पुलिसकर्मी सिंगल को देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि उस दीवार के दूसरी तरफ जो एरिया है उसे एनिमल सेंचुरी कहा जाता है, जहां पर कोई आता जाता नहीं था और न ही कभी कोई ड्रोन या प्लेन यहां उड़ा करते थे, क्योंकि ये प्लेन का रूट नहीं है। इसीलिए गाँव वालों को कभी भी इसका पता नहीं चला कि वो समय से बहुत पीछे जी रहे हैं। वहीं गांव के पूर्वजों को ये सब पता था, क्योंकि उन्होंने ही इस गांव को बनाया है। आगे सिंगल उस पुलिसकर्मी से मदद की भीख मांगती है और वो उसे
एक चिट्ठी देती है जो उसके पिता ने उसे दी थी, जिसे देते हुए वो उस पुलिसकर्मी से मेडिकल हेल्प मांगती है और उनके गांव में पैसे न होने की वजह से वो उसे एक सोने की घड़ी देती है। हालांकि वो पुलिसकर्मी इसके बारे में अपने बॉस को बताना चाहता था, पर सिंगल के भोलेपन और मासूमियत को देखकर वो अपना इरादा बदल देता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ दवाइयों के साथ उसे उसी जगह पर वापस छोड़ देता है जहाँ उसने पहली बार सिंगल को देखा था। जिसके बाद सिंगल वापस अपने गाँव आकर वो दवाई अपने पिता को दे देती है, जिसके बाद उस दवाई से बक्खल का इलाज किया जाता है। तभी सिंगल गाँव वालों को बताती है कि जंगल में उसका सामना राक्षस से हुआ था, लेकिन अब उस राक्षस का काम खत्म हो चुका है। ये सुनते ही जालिम के माता पिता को ये समझ आ जाता है कि जालिम अब इस दुनिया से जा चुका है, पर वो इस बात को किसी को भी नहीं बताते। लेकिन फिर भी वो गाँव वाले राक्षसों से डरते थे। अब सोचने वाली बात ये है कि गाँव के पूर्वजों ने इन राक्षसों को बनाया ही क्यों। दरअसल 1972 में जब सिंगल के पिता एक प्रोफेसर थे, तब वो उन लोगों की काउंसलिंग किया करते थे जो बहुत दुखी थे, और उनके दुखों का कारण ये दुनिया थी। इस दुनिया में तेजी से बढ़ते हुए क्राइम के चलते उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था, जिसके बाद उन सब ने मिलकर एक प्लान बनाया और एक ऐसे गांव का निर्माण किया जिसके बाहर कोई जा नहीं सकता और इसके अंदर कोई आ नहीं सकता। दरअसल सिंगल के पिता बहुत अमीर थे और उनके पास इतना पैसा था कि वो किसी को भी खरीद सकते थे, और उन्हीं पैसों की मदद से उन्होंने इस जगह को खरीद लिया, जिसके बीचों बीच उन्होंने इस गाँव को बनाया। साथ ही साथ वो पुलिस वालों की भी जेब गर्म किया करते थे ताकि कोई भी पुलिसकर्मी उस गाँव में न आए। साथ ही वो नेताओं को भी पैसे खिलाते रहते थे ताकि कोई भी ड्रोन या प्लेन इस इलाके में उड़ान न भर सके। वहीं दूसरी तरफ गांव वालों को लगता था कि जंगल में अभी भी राक्षस है, जिसका मतलब ये राज ही रहेगा और गांव के सभी लोग 200 साल पुराने तौर तरीकों से ही रहेंगे और उन्हें इसी तरह अपनी जिंदगी को जीना होगा। जो बच्चे यहां बहुत पहले आए थे जब उनके दूध के दांत भी नहीं गिरे थे, और अब जब सब बड़े हो चुके हैं जिस वजह से इन्हें कुछ भी याद नहीं होता। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।